अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब, धड़कनों में मातमेशा हे जमन जिंदा रहे। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब, धड़कनों में मातमेशा हे जमन जिंदा रहे। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब। भैया जिंदा रहे। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब, धड़कनों में मातमेशा हे जमन जिंदा रहे। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब, धड़कनों में मातमेशा हे जमन जिंदा रहे। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब, धड़कनों में मातमेशा हे जमन जिंदा रहे। जब आशा खाना सजे तो दिल बने फर्शे आजाब, धड़कनों में मातमेशा हे जमन जिंदा रहे।
जब अज़ा खाना सजे तो दिल बने फर्शे अज़ाब, धड़कनों में मातम खाना सजे तो दिल बने फर्शे अज़ाब, धड़कनों में मातम हे ज़मन जिंदा रहे जब अज़ा खाना सजे तो दिल बने फर्शे अज़ाब, धड़कनों में मातम शाह हे ज़मन जिंदा रहे खाना सजे तो दिल बने फर्शे अज़ाब, धड़कनों में मातम शाह हे ज़मन जिंदा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत से 7.5 करोड़ रुपए मुहर्रम के कामों के लिए हमारे आशूर खाने के सैंक्शन हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम कामों में से तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी के भी काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP मुस्तदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आली जनाब जियादुल हसन अफंदी साहब और मेरी कोशिशों की वजह से हमारे कॉरपोरेटर सोहेल खादी साहब, अलमदार वाला जाही साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, इन तमाम की कोशिशों से मुहर्रम के कामों से पहले कई करोड़ों के काम हमने सैंक्शन करवाए, जिसमें बाल शट्टी खेत की रोड का काम मुकम्मल हुआ और कड़वे साहब की जो गली है वहाँ पर रोड का काम मुकम्मल हुआ और जो सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जो नाले नाल साहब वहाँ पर जो कई दिनों से जो दीवार का काम नहीं हो रहा था गिरने वाली थी, क्योंकि हम ये देखें कि बारिश का मौसम है वहाँ पर ज़ाहरीन पर जो भी अगर आते हैं इजारत के लिए अगर खुदा ना खास्ता दीवार गिरकर किसी का नुकसान हो सकता है, जान का नुकसान हो सकता है था। तो वो भी हमने उसको तुड़वा कर पूरा बराबर करवाया और जहाँ हुसैनी आलम कमान की रोड को हमने सेंक्शन करवाया और बादशाह आशूर खाने में यहाँ पर ये टेम्पररी शेड परमानेंट शेड हमने डलवाया, यहाँ पर तमाम लाइटों के काम करवाए। अज़ा खाना ज़हरा में तो काम हुआ है, पेंट का काम, फ्लोरिंग का काम और लाइटों का काम तमाम काम हुए और बाकी के काम भी अभी बाकी है, वो काम भी वहाँ पर हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी जितने आशूर खाने हैं वो तमाम काम हो जाएंगे। सदर मोहतरम की दिलचस्पी है और वो यही चाहते हैं कि माह मुहर्रम में जितने ज़ाहरीन हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना आए, इसके लिए जो भी सैनिटेशन का काम है आपने देखा आज बलदिया की जानिब से नूरखा बाज़ार में जिस तरह से आज सैनिटेशन का काम हुआ, पूरा साफ़ सफाई हुई और ड्रेनेज के लिए और लाइट के लिए और उसके लिए डिब्रिज लिफ्टिंग के लिए सब यहाँ पर जो काम हो रहे हैं उनके जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहाँ से पूरा काम होगा ताकि ज़ाहिरीन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। पानी का इंतज़ाम हमने करवाया, सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है, चाहे रमज़ान हो, मुहर्रम हो और किसी भी ईद हो, जो भी ईद है, ना सिर्फ हमारी ईद बल्कि अगियार की भी जो ईद होती है
उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़ के काम लेती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घरों में बैठकर ये अपने इंटरव्यूज़ नहीं देती और सिर्फ किसी की मुखालिफत नहीं करती, अगर करती है तो काम की बुनियाद तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करना जानती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम MLA अराकीन कौंसिल और तमाम कॉरपोरेटर्स बिलशुमूल सदर मोहतरम हम सब आवाम के दरमियान में 24 घंटे रहे काम करते हैं। मैं आपकी जानिब से आवाम से यही कहूँगा कि अगर किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ हो या किसी किस्म का कुछ होना है तो आप मुझसे राबता पैदा कर सकते हैं, रियाजुल हसन आफंदी साहब से कर सकते हैं, अलमदार वाला जाई साहब से कर सकते हैं, सोहेल खाजी साहब से कर सकते हैं। हम सब आपके लिए हाजिर हैं। शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अज़र को इजाज़त दीजिए।